आरजे राम झाझर द्वारा लगातार ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों में जनता के मूलभूत समस्याओं से उच्च अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को रूबरू करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमने बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत दगौरी में व्याप्त पेयजल की समस्या को सामने लाया था, जिस पर बिल्हा जनपद सीओ द्वारा इस समस्या की त्वरित निराकरण करने की बात कही गई है। निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हम आपको पहले बता दें, हमारे बिल्हा क्षेत्र में ये सूखा क्षेत्र घोषित था, ये घोराना हमारी हमारी 30% से कम थी यहाँ की। तो पहली बात की है कि साल में बारिश कम हुई, लेकिन दगौरी दगौरी समेत कुछ अन्य गांव भी हैं जहाँ पानी की भीषण समस्या है, लेकिन हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था की वहाँ पर समर्सिबल पंप लगा के एक एक मोहल्ले में और दो तीन मोहल्ले को कंबाइंड करके कि आप यहाँ पानी दूर करें, आप यहाँ करेंगे। कुछ हम लोगों ने वहाँ नोवा प्लांट है उससे टैंकर वगैरह लेके पानी सप्लाई की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बावजूद भी समस्या बनी हुई, इसको हम स्वीकार कर रहा हूँ। इसके लिए हम लोग परियोजना बना वहाँ उसकी योजना बना रहे हैं और कलेक्टर के जानकारी बात लोग आए हैं और जिला स्तरीय अधिकारी हमारे कृषि विभाग के हैं। वहाँ शिवनाथ नदी का पानी हम लोग यहाँ ला के और इसका लोगों को उपलब्ध कराने का बाबा तालाब में डाल के फिर वहाँ लोगों को सप्लाई करने का ऐसा एक हम लोगों ने परियोजना बनाया है। और चूँकि वाटर लेवल डाउन है तो नया बोर करने पर पानी जल्दी नहीं मिल रहा है, फिर भी जो नीचे जो हाइड्रोफ्रैक्चर करते हैं पत्थर फोड़ने वाला जो इनका बोरिंग मशीन रहती है उसके माध्यम से हम एक तुरंत ही नया बोर हम लोग करवा रहे हैं, जो एक दो दिन में हो जाएगा और वो भी समस्या फिलहाल दूर हो जाएगी। आधा दिन की बात है, हो सकता है बारिश में।